ए आयशा उठ, चलो टाइम हो गया। चलो खा लो खा लो। ए आयशु कम फास्ट, जल्दी आ जा। थैंक यू। चलो चले क्या? अच्छा जोर से पकड़ ले। आ, पकड़ लिया। ए! Don't worry. साइकिल पे बैठ के घमंड ऐसा जैसे बाइक पे बैठा हो। दुपट्टा हवा में लहरा के खुद को परी समझती है। घमंडी, सॉरी तक नहीं कह सकता। क्यों, आके खुद नहीं ले सकते? सादा पुलाव इतना अच्छा और टेस्टी है। आंटी थोड़ा टेस्ट करो ना। मैंने खा लिया। आपको खाने को किसने कहा? जस्ट टेस्ट प्लीज। एक्सेलेंट, किसने बनाया है? हमारे सिद्धू ने। सिद्धू कौन है? तुम्हारे घर का बावर्जी क्या? नहीं, वो इसके चाचा है। मैं प्यार से उन्हें सिद्धू बुलाती। अच्छा, तुम्हारे सिद्धू को और क्या क्या बनाना आता है? उन्हें सब आता है आंटी। पूरी सब्जी, बिरयानी, कोफ्ता, चिकन, मटन सभी बहुत बढ़िया बनाते हैं वो। रियली? बनाने में उन्हें तकलीफ नहीं होती क्या? मैंने भी यही पूछा था तो उन्होंने कहा कि प्यार से करो तो काम भी प्यारा हो जाता है। दुखी मन से करोगे तो वो भी तुम्हारी तरह दुखी होगा। इतनी बढ़िया इंसान है तो फिर मिलना चाहिए। जरूर मिलेंगे। हाय अंकल। हाय। ये तो घमंडी है। अरे ये तो वही नकचड़ी है। ये लो आंटी। यही है मेरी सिद्धू, मिस्टर सुनीत। हाय। बहुत बन रही है। ये मिस आरती, माय स्वीट आंटी गर्लफ्रेंड। आंटी ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं। इन्होंने बीएससी विस्कॉम किया है। पिछले साल ही पढ़ाई खत्म की, अच्छी नौकरी की तलाश में है। इन्होंने भी पिछले साल कोर्स खत्म किया है। अब पढ़ाई करे शादी करे सोच रही है। बहुत बोल रही हो, चुप करो। सॉरी, उस दिन सॉरी भी नहीं कहा और गुरूर में साइकिल पे बैठ के जैसे बाइक पे। आई एम रियली सॉरी। अरे रे, गलती मेरी है। दुपट्टा ठीक से बांधे बिना स्टाइल में बाइक चलाऊंगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? इधर देखिए, दुपट्टा बांध लिया है। आपको ही मुझे माफ करना होगा। नहीं, मेरी भी। I'm sorry. या क्या सॉरी कंपटीशन चल रहा है? जो सॉरी पे सॉरी बोल रहे हो, पहले तुम दोनों हाथ मिलाओ। तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करा है, हाथ मिला के दोस्ती कर लो। आंटी हाथ मिलाओ ना, प्लीज आंटी हाथ मिलाओ ना, हाथ मिलाओ ना, हाथ मिलाओ सिद्धू। इसकी तरह मुझे भी देर नहीं करनी चाहिए। कल ही आरती को मिलता हूं। अरे रे, वो भी मेरा इंतजार कर रहा है। जाहिर नहीं करूंगी, उसी के लिए आई हूं।
जान गई कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ तो काफी चीप समझेगी। ये आरती की कारी है ना, चेक कर लेते हैं। ये तो आरती है। हाय बोलूं क्या? नहीं नहीं उसे ही बोलने दो। हाय। हाय। तुम कब आए? तुम किसी को खोज रहे थे ना, तभी आई। ओ वो ऐसा है, मेरे एक फ्रेंड ने आने को कहा था, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। छुप छुप के नोट कर रही हो? ओ ये बात है, मेरे लिए आए और झूठ बोल रहे हो, झूठे। अच्छा क्लास शुरू के आधा घंटे से ऊपर हो गया, लगता है तुम भी किसी को ढूंढ रही हो। मैं एक फ्रेंड वो मालती के लिए वेट कर रही हूँ। ओ तेरे होंठ झूठ बोल रहे हैं, वो तेरी आंखें बता रही हैं। निगाहों से ऐसे देख रही हो जैसे मुझे निगल जाओगे। जो लाया हूँ उसे दे दूँ? ऐसा तो नहीं मैं कुछ जल्दबाजी कर रहा हूँ। नहीं नहीं आज नहीं। दे दूँ क्या? देखते ही मुझ पे मर मिटी समझेगा। नहीं पापा। ओके सी यू देन। ठीक है बाय। एक्सक्यूज मी। वन मिनट प्लीज। एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। नो नो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं वो नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा इसमें कुछ नहीं है। मैं नहीं लूंगा, अगर तुम मेरा गिफ्ट लोगी तभी मैं तुम्हारा गिफ्ट लूंगा। ओके। ए, तुम भी मनोज कुमार के फैन हो? जो दिल को जीत लेता है दिले नशी। जो दोस्त से भी बढ़कर हो एक दोस्त। मेरी शादी की बात चली, मैं बहुत डर गई। ये तो खुशी की बात है, इसमें डरना क्या? दूल्हा अमेरिका में है। अमेरिकन दामाद? हे, तुम और तुम्हारे घर वालों ने मुझे समझ क्या रखा है? कोई भी आके तुमसे शादी कर लेगा और मैं देखता रहूंगा। बस भी करो, तुम इसी तरह बातें करते रहोगे और वो मेरी शादी किसी और से कर देंगे। तो हम पहल करते हैं, खुद ही शादी कर लेते हैं। अरे रे मैं भाग कर नहीं आऊंगी बाबा। भागने को कौन बोल रहा है, और बड़ों की बेइज्जती भी नहीं होगी, सबके आशीर्वाद के साथ ही शादी करेंगे। अब के लिए हम गांधर्व विवाह कर लेते हैं, बाद में सबके लिए सामाजिक विवाह। ओके वो कैसे? मेरी तरह अपनी आंखें बंद करके महसूस करो। आंखें बंद कर लो। अभी हम शादी के मंडप पे बैठे हैं। हाँ माँ पिताजी भैया भाभी सभी लोग साथ में हैं। पास में बैठे पंडित मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। थैंक्स सुनी। ऐसे बातों से काम नहीं चलता। शादी तो हो गई और कुछ नहीं मिलेगा? नहीं बाबा। बहुत दिनों से एक ख्वाहिश थी, मेरे होश संभालने से पहले ही मेरी माँ गुजर गई। तब से मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसकी गोद में सर रख कर लेटना चाहता हूँ। सुनील यहाँ क्या कर रहे हो? भैया कौन है ये लड़की? भैया वो मेरी प्रेमिका। मुझे पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। भैया कुछ मत बोलो।
हमें ये लड़की नहीं चाहिए, कह दिया ना। तुम चलो भैया। चलो भी भैया। एक्सक्यूज मी, डर गई? मजाक किया। सुनीत का सिलेक्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। Glad to meet you. हमारा सुनीत तुम्हारा ही है, किसी बात की फिक्र ना करो, अपनी हर प्रॉब्लम मुझ पे डाल के तुम दोनों प्यार करो। तुम दोनों का बंधन मेरी जिम्मेदारी। You're welcome. चलता हूँ सुनीत। अच्छा भैया। हाँ, बातें खत्म हो जाए तो घर छोड़ के आना। ठीक है भैया, संभल के। और बाइक चलाते समय जरा सडनली ब्रेक मारना। हे, क्या हुआ? मैं भी लगभग उस घोड़े की तरह ही हूँ। मतलब? उस घोड़े की मंजिल है उस गाजर को पकड़ना, मेरी मंजिल और सोच भी तुम्हें पकड़ने की है। झूठ झूठ, सच बोल रहा हूँ। कल भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर से एक इंटरव्यू लेटर आया, मैंने फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उससे बढ़िया रिसर्च करने का मैंने सोचा है। कैसा रिसर्च? हमारे बदन पे कहाँ कहाँ सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जानने के लिए। कैसे? अब तुम आंख बंद करो, मैं तुम्हारे एक एक अंग को छूऊंगा। जहाँ जहाँ मेरे छूने से तुम्हारे बदन में कुछ कुछ होता है वो ये है सेंसिटिव स्पॉट्स। नहीं बाबा, आंखें बंद करने पर तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे। नहीं नहीं, आंख बंद करवा के बदमाशी करो, इतना गिरा हुआ नहीं। आंसर नहीं बदलोगे ना? नो नो, आई एम अ वेरी डिसेंट बॉय। तब ठीक है। कुछ अब कुछ नहीं अभी। भाभी, आयशु कहाँ है? सब कोई दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? भाभी भाभी भाभी, आपको इस तरह देखे कितने दिन हो गए? आयशु जब आपको देखेगी वो भी बहुत खुश होगी। सुनीत, कार टायर पंक्चर। टायर पंक्चर? ओह गॉड, टाइम भी हो गया। ठीक है, आप धीरे धीरे आइए, मैं जाकर ऑटो पकड़ता हूँ। बाइक से चलते हैं ना? बाइक में कंफर्टेबल नहीं होगा भाभी। कुछ नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, तुम बाइक निकालो। Thank you.
कंफर्टेबल हो भाभी? भाभी मेरी शर्ट डाल के कहाँ से आ रहे हो? भाभी मैं आरती से मिलने गए थे या? भाभी वो आपके बारे में गलत बात कर रही है। बात बदल दी क्या? उसी ने हमारे रिश्ते के बारे में गलत बात की थी, अच्छी तो थी, क्यों अभी एकदम से बदल गई? सुनीत मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो कभी तुम्हें मुझसे अलग न करते। अच्छा क्या बात कर रही है भाभी? तुम भी अगर हमें छोड़ गए तो हम भी तुम्हारे भाभी, के भाभी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। तुम खुश रहो यही मेरी इच्छा है। वो छोटी लड़की है ना, किसी कंफ्यूजन में आकर ऐसी बोल गई होगी। कुछ दिन गैप दो, मैं ही उसे घर लाकर उससे बात करके समस्या हल कर दूंगी। हाँ तुम खाना खा के सो जाओ, चलो। भाभी हाँ अब से मैं यही सो जाता हूँ। क्यों क्या हुआ तुम्हें? हम तो सही है भाभी, लेकिन देखने वालों का नजरिया ठीक नहीं। आयशु को साथ लेकर सो जाइए भाभी, मैं यहीं पास में हूं, आप बेफिक्र रहिए।